उम्मीद भी कितनी अजीब चीज है, लम्हों में रेगिस्तान में जैतून की बाग लगा देती है। अमल के बाद नतीजा नियत का निकलता है और लोग समझते हैं कसूर किस्मत का है। खामोश रहे और उम्मीदें ना लगाएं, वरना खदशात बढ़ जाएंगे। बेसकूनी रगों में अजियत बनकर नाचेगी। कभी किसी को अपने जीने की वजह ना बनाएं। हम सफर मुखलिस हो तो रास्ते जितने भी कठिन हों मंजिल मिल ही जाती है। वक्त ऐसा है कि तमाम अच्छी बातें फ़ोन की गैलरी और स्टेटस पर तो मौजूद है, मगर इंसान के अमल और किरदार में नहीं। दूसरों की ज़िंदगी आसान करें और अपनी आखिरत अल्लाह ताला पर इत्मीनान। हर बुलंदी की सीढ़ी है। जो कहानी अल्लाह के सुपुर्द कर दी जाती है, उस कहानी का इख्तिताम कभी उदास नहीं होता। बेशक तुम्हें तुम्हारे जैसा ही हम सफ़र मिलेगा। जब ज़िंदगी की समझ आने लग जाए तो पहला हक खामोशी का बनता है। और फिर मेरे बाबा ने कहा था, मजबूत बनो बेटा, माँ बाप रहम खा लेते हैं, दुनिया वाले नहीं। सब्र के कुछ घूंट इतने कड़वे होते हैं कि ज़िंदगी भर की मिठास छीन लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और शुक्र के लिए ये वजह काफ़ी है कि वो हमसे मोहब्बत करता है। जब अल्लाह ने सूरह आले इमरान में फरमा दिया है कि दुआ पहाड़ों को भी इनकी जगह से सरका सकती है, तो कबूलियत का शक तो नहीं बनता। सब्र की इंतहा। और फिर तुम्हें क्या मालूम कि जब कोई भीगी आंखें सख्ती से रगड़ कर, लंबी सांस खींच कर, तलख मुस्कुराहट लबों पर सजाए, आसमां की तरफ देखे, तो वो जब्त की किस इंतहा पर होता है। नसीब बनकर कोई ज़िंदगी में आता है, फिर ख्वाब बनकर आंखों में समा जाता है। यकीन दिलाता है वो हमारा ही है, फिर जाने क्यों वो भी वक्त के साथ बदल जाता है। जिससे निकाह ही नहीं करना, उससे बातों के ज़रिए नफ्स के चस्के भी ना ले। मोहब्बत, अगर कोई शख्स आपसे मोहब्बत कर ही बैठा है तो इसको रुलाने से गरेज करें, क्योंकि इसकी आंखों से आंसू नहीं बल्कि कतरा कतरा करके आपकी मोहब्बत बहती है। नेक बीवी का मकाम। एक हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि जो औरत अपने शौहर की ताबेदार हो, इसके लिए परिंदे हवा में इस्तग़फ़ार करते हैं, मछलियाँ दरिया में इस्तग़फ़ार करती हैं, और फरिश्ते आसमानों में इस्तग़फ़ार करते हैं, और दरिंदे जंगलों में इस्तग़फ़ार करते हैं। ऐ अल्लाह, जो मेरे मुकद्दर में नहीं लिखा, इसकी कोशिश और तमन्ना में मुझे मुब्तला ना करना, और जो मेरे तकदीर में लिख दिया है, इसे मेरे लिए आसान कर देना।